टुडे डिस्कस काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल ऑन द फिगर। ओके, इसके हमने दो पार्ट अपलोड कर चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो डियर क्वेश्चन स्टार्ट करें हम, ये क्वेश्चन हमारी है। तो ये हमारे ट्रायंगल पड़ी थी, सपोज ये वाली ट्रायंगल हमारे ऊपर वाली है, तो हमने क्या किया था, यहाँ वन लिखा था, यहाँ टू लिखा था, यहाँ थ्री लिखा था, सभी को प्लस किया था। तो अब इसकी ये बेस लाइन हमारी एक नीचे बना दी, तो यहाँ वन लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे। इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी वन प्लस में टू प्लस में थ्री, तो हमारी क्या होगी, सिक्स हो गई। ऐसे नीचे वाले हम करेंगे, वन प्लस में टू करेंगे तो ये कितनी बन गई, ये हमारी बन गई थ्री। अब देखिए डियर, अब इनसे इस बेस लाइन से ज्वाइंट से कोई ट्रायंगल बनती है, हमारी कोई ट्रायंगल नहीं बनती है, नहीं बनती है ना कोई भी ट्रायंगल, तो हमारी कितनी होगी, सिक्स ये होगी और थ्री होगी, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी डियर, इसका आंसर आएगा नाइन, ये नाइन ट्रायंगल होगी हमारी, नाइन। ओके, अब क्वेश्चन सेकंड की बात करें हम, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है, और सेकंड के अंदर हमें क्या है, ये हमारी बेस लाइन है और इधर भी ये दे रखी है, बेस लाइन दे रखी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ही काउंट करेंगे, यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ टू लिखेंगे, और यहाँ थ्री, और यहाँ फोर, इन सभी को प्लस कर देंगे, वन प्लस टू और थ्री हो गया, और थ्री ए सिक्स प्लस में फोर तो टेन, तो यहाँ बन गई हमारी। ओके, और यहाँ वन टू थ्री और फोर, तो टेन ये बन गई डियर। ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये हमारी बेस लाइन है, इनसे ज्वाइंट से और ये बेस लाइन इनकी है, तो इससे कोई ट्रायंगल बनती है। अब ये देखिए ये वाली लाइन है, यस, एक तो ये वाली रही जहां से पेंसिल ड्रॉ हो रही है, ये वन है ना, सेकंड वाली हमारी ये रही सेकंड, और थर्ड वाली हमारी ये रही, और फोर्थ वाली हमारी ये रही, तो फोर ये बन गई, यानी दो ट्रायंगल को ज्वाइंट करने से फोर और बन गई हमारी, तो टेन प्लस में टेन, यानी टेन हमारी ये है और टेन नीचे वाली है, और प्लस में फोर ये बन गई हमारे ज्वाइंट से। ओके, टू फिगर के ज्वाइंट से, तो आंसर कितना आ गया, 24 आ गया डियर, इसका आंसर क्या आएगा, 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, अब इस ट्रायंगल के अंदर हमने क्या कर दी, ये लाइन लगा दी, ठीक है, यानी फिगर चेंज हो गई, यानी ऐसा होता सिंपल होता तो इसको वन लिख के टू लिख के और कर देते हम, बट इसमें चेंज ये कर दिया, हम क्या करेंगे, अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे यहाँ देखो इस बेस लाइन से पहले ये बेस हमारी है और इस वाले ट्रायंगल में करें, तो यहाँ वन लिखेंगे और यहाँ टू और यहाँ थ्री और यहाँ फोर और यहाँ फाइव, सभी को प्लस करेंगे, वन प्लस टू थ्री और थ्री सिक्स प्लस में फोर टेन और प्लस में फाइव, तो फिफ्टीन, तो डियर ये बन गई हमारी। ओके, अब नीचे वाले में देखेंगे, यानी ये ट्रायंगल हमारी वन और ये टू और ये थ्री और ये फोर और ये फाइव, इन सभी को प्लस करें तो 15 हमारी ये बन जाएंगी। ओके, अब देखिए इस लाइन ज्वाइंट से, यानी एक बेस ये है तो नीचे भी ट्रायंगल ऊपर भी है, तो इससे कोई ट्रायंगल बन रही है, यस, इससे हमारी ये वाली ट्रायंगल बन रही, एक तो ये बन रही है, सेकंड वाली हमारी ये बन रही है, थर्ड वाली हमारी ये बन रही है, और फोर्थ वाली हमारी ये बन रही है, और फिफ्थ वाली हमारी ये बन रही है, तो 15 प्लस में 15 और प्लस में 5 ये बन गई। ओके, तो आंसर क्या आएगा डियर इसका, 35। वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देखिए, यानी ऐसे हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, इनको प्लस करना, इनको प्लस करना। अब इस लाइन से हमें देखिए, ये वाली तो ये ट्रायंगल तो हमने काउंट नहीं की ना, ये वाली, ये हमने ये काउंट किए, ये वाली काउंट किए, एक ये वाली काउंट किए, ये तो काउंट नहीं हुई ना, ये वाली सेकंड हमारी ये बन जाएगी, और थर्ड हमारी ये, फोर्थ हमारी ये, फिफ्थ ये, यानी 15 ऊपर 15 नीचे और हमारी 5 बन जाएगी इस लाइन से ये वाली। ओके, तो हमारी ट्रायंगल कितनी हो जाएगी, टोटल 35 डियर, 35। आप इसको बेसिक से अच्छे से काउंट करके देखना। ओके, नेक्स्ट डियर, अब ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ये हमारे इसके बेस मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल बन गई है वाली, तो हम यहाँ लिखेंगे वन और यहाँ टू और यहाँ थ्री, तो इस वाले पार्ट में कह रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट में कितनी बन जाएंगी, थ्री प्लस में टू फाइव प्लस में वन सिक्स बन जाएंगी, ऐसी सिक्स इसमें बन जाएंगी, वन टू और थ्री, सिक्स बन गई। अब देखिए इन दोनों को ज्वाइंट कर रखा, ज्वाइंट, अब ज्वाइंट से कोई ट्रायंगल बनती, यस,
देखिए ये वाली ट्रायंगल जॉइंट से बनती है, ये वाली वन तो ये बन गई, और टू हमारी ये बन गई, टू वाली ये बन गई, और थर्ड हमारी ये बन गई थर्ड वाली, तो थ्री और बन गई, यानी सिक्स हमारी इधर बन गई और सिक्स इधर बन गई, प्लस में थ्री इधर बन गई, तो आंसर क्या आ गया, 15 आंसर आ गया, कितना आ गया 15। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, तो ये ट्रायंगल हमारी ये ज्वाइंट कर दे इसका पार्ट है, तो हम पहले इसको काउंट करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री और प्लस में फोर, तो ये हमारी कितनी बन जाएगी, वन प्लस टू थ्री और थ्री टेन बन जाएंगी। अब इस पार्ट से देखिए, तो देखो हमें ये दिख रही है, एक तो ये है, एक ये है, एक ये, थ्री तो ये होगी, अब फोर वाली देखिए, ये वाली फोर हमारी ये है, ओके फोर देखिए दोबारा, जो पेंसिल जहां से ड्रॉ ये फोर ये, और फाइव वाली ये रही, फाइव वाली ये रही, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यानी यहाँ वन लिखें, यानी ये हमारा ट्रायंगल है और इसको हमने टू पार्ट में कर दिया, ऐसे लाइन लगा दें ऐसे, तो वन यहाँ लिखें, टू यहाँ लिखें, तो थ्री तो ये होगी, यहाँ से थ्री होगी, और फोर वाली ये रही, और इसी से हमारी ये कनेक्ट रही, फाइव ये रही, यानी फाइव ये होगी, यानी वन ये और ए वन ये, तो कितनी होगी, टेन प्लस में थ्री प्लस में वन प्लस में वन, तो आंसर हमारा क्या आएगा, इसका भी 15 ही आंसर आएगा, हमारा क्या आएगा 15। ओके दोबारा सुनिए डियर, इस वाले ट्रायंगल में तो 10 होगी, अब देखिए वे अगर नहीं पता तो ऐसे काउंट किए, वन ये है, जहां मैंने टू लिख रखा है टू होगी, ये थ्री हो गई, अब फोर वाली ये रही, फोर वाली ट्रायंगल ये रही, और फाइव वाली डियर हमारी ये रही। ओके वीडियो को पॉज करके अच्छे से खुद करके देखिए डियर, तब समझ आएगा, तब ये काउंट अच्छे से हो जाएंगी। वेरी जी, ये देखिए वन ये, टू ये, थ्री ये, और फोर वाली हमारी ये रही, और फाइव वाली हमारी ये रही। ट्रिक काम करिए इसमें, और ट्रिक इसमें भी करेगी, बट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं, यानी ज्वाइंट लाइन से अलग भी ट्रायंगल हमें काउंट करनी पड़ेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, ये वाला, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमें ट्रायंगल काउंट करनी है। ओके ट्रायंगल काउंट करेंगे, तो देखिए आप इस फिगर को ना, जहां से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, वन सेकंड के लिए उसको ना आप भूल जाना, ये वाली जो है इसको भूल जाना, यानी इसको आप जहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी, शेडेड लाइन होगी ना ये, इसको आप है ना एक मिनट के लिए भूल जाना। ओके अब देखो ऐसी ट्रायंगल बनती है हमारी, तो हम क्या लिखेंगे, यहां वन लिखेंगे और ये पार्ट टू हो जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये पार्ट वन हो गया और ये पार्ट टू हो गया, ये पार्ट थ्री हो गया, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे कितना आएगा, सिक्स आएगा। उसके बाद में ये लाइन ज्वाइंट करने से देखिए क्या हुआ, ये लाइन ज्वाइंट करने से हमें क्या बना, एक ट्रायंगल ये बन गई और एक ये बन गई, एक ये बन गई, थ्री और बन गई ना, एक तो ये बन गई है भाई, ये वाली एक ये बन गई है और एक ये बन गई, तीन और बन गई। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर इसको हम पहले हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन है, तो इनको हमने प्लस कर लिया, सिक्स हो गया। अब इसके ज्वाइंट करने से क्या हुआ, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई, और एक ट्रायंगल हमारी ये बन गई, तो थ्री बन गई ना, वन टू थ्री, तो थ्री और इसके अंदर प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा नाइन ट्रायंगल। ओके इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाइन। ओके डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, तो ये वाली ट्रायंगल हमारी है, ये वाली सेम जो जस्ट ऊपर वाली ऐसी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वन यहां लिखेंगे, टू यहां लिखेंगे, और थ्री यहां लिखेंगे, फोर यहां लिखेंगे, फाइव यहां लिखेंगे, सिक्स यहां लिखेंगे, तो वन प्लस टू थ्री, और थ्री सिक्स, और ये टेन, और ये फिफ्टीन, फिफ्टीन प्लस में सिक्स 21, तो यहां से बन गई है डियर, 21 बन गई। अब नीचे वाले ट्रायंगल इसकी बात करते हैं हम, इस वाले की, तो यहां वन, यहां टू, यहां थ्री, और यहां फोर, तो ये थ्री थ्री, ये टेन बन गई, टेन ये हो गई हमारी, और यहां वन लिखेंगे, यहां टू लिखेंगे, तो ये कितनी बन गई, थ्री बन गई। अब देखिए और कोई ट्रायंगल यहां से ज्वाइंट होने से बनती है, और कोई नहीं बनती है, बस यही हमारी बनती है, तो 21 प्लस में 10, 31 प्लस में क्या हो जाएगा, 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा इसका,
34 आंसर आ जाएगा, डी रेशियो क्या आ जाएगा 34 आंसर आ जाएगा। ओके इन तीनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, अब इसके अंदर देखिए तो ये एक तो ट्रायंगल हमारी ये बन गई, 1 2 हमारी ये रही, 3 हमारी ये रही, 4 हमारी ये रही और 5 हमारी ये रही। ऐसे क्या करना आपको इस फिगर के अंदर ये लाइन काउंट करनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन है तो 5 से यहाँ से बन गई। ओके इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ से बन गई। इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ से बन गई। ओके अब क्या करेंगे डियर, एक तो हमारी ये वाली ट्रायंगल रह गई है, ये वाली और एक ये बड़ी वाली, तो 2 ये होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 17, यानी 5 ये थी हमारी, 5 ये इधर वाली और 5 ये इधर वाली और प्लस में 1 ये छोटी वाली और 1 जो बाहर वाली है वो, तो आंसर क्या आ गया डियर इसका 17 आंसर आ गया हमारा। ओके नेक्स्ट देखिए डियर, इसके अंदर हम काउंट करेंगे तो पहले यहाँ से यानी इसके दो पार्ट कर दिए ना, तो पहले इस वाले पार्ट में 1 2 3 4 5 तो यहाँ से बन गई और 5 इधर से बन जाएंगी। उसके बाद में इन दोनों को ज्वाइंट करने से एक ये बन जाएगी 1 और 2 3 4 और 5, यानी 5 इस पार्ट में होगी, 5 इस पार्ट में होगी और 5 होगी ज्वाइंट करने के बाद में ना, दोनों को ज्वाइंट करने के बाद में। देखिए ये जैसे ये होगी 1, ये होगी 2 और ये होगी हमारी 3, ऐसी ये 4 ये 5, तो यहाँ से बन गई हमारी 15, कितनी बन गई 15। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 15 ये होगी। ओके उसके बाद में यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 होगी डियर, 6 है तो 6 इधर 12 और 6 फिर ऐसे बन जाएंगी, यहाँ कितनी बन जाएंगी 18। ये इसीलिए मैंने यहाँ 6 लाइन ड्रॉ की है क्योंकि यहाँ 15 आई, यहाँ 15 आई और आप गलती से यहाँ भी 15 लिख दोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, 18 होगी। प्लस में एक ये हमारी छोटी वाली और एक ये बड़ी वाली, तो 2 ये हो जाएंगी, यानी एक तो ये वाली और एक बड़ी वाली, तो 18 प्लस में 2 ये होगी 20 और 15 ये और 15 ये, तो आंसर कितना आ गया 50 आ गया आंसर हमारा, यानी 15 प्लस में 15 प्लस में 18 और प्लस में 1 प्लस में 1, तो आंसर क्या आ गया डियर इसका, आंसर आ गया 50, ये हमारा इसका आ गया डियर आंसर 50 आंसर आ गया। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर, ये क्वेश्चन देखिए आप, इसको आप क्या करना है, बेस इसका बेस ट्रायंगल काउंट करने, बेस में 1 है और 2 है 3 है, इसका बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, हमने बेस ट्रायंगल काउंट कर ली 3 है, 3 का स्क्वायर कर देना डियर, 3 का स्क्वायर कर दिया हमने, 3 का स्क्वायर क्या आ गया बताओ 9 आ गया ना 9, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे बेस अगर 4 हो तो भी ऐसे करना है, तो 9 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया हमारा 18 हो गया, 18 आ गया ना। अब डियर 18 आ गया, 5 माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे 5 माइनस कर देंगे। ओके तो आंसर क्या आ जाएगा 13 इसका आ जाएगा आंसर। ओके ऐसे डियर अगर ये हमारी इस ऐसी फिगर के अंदर अगर बेस 4 हो तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा ना, और 16 का डबल कर देंगे 32, फिर भी माइनस क्या करना है 5 ही करना है, बेस 5 हो तो भी ऐसे करना है, इस ट्रायंगल में क्या करना है जितने बेस हैं उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई 2 से करना है और माइनस से 5 करना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा 100%। एनी क्वेश्चन ऐसा उसमें बेस 6 है तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस 6। ओके थैंक यू डियर।